तिवारीपुर पुलिस ने चोरी व लूट के विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बादल कुमार उर्फ राहुल पुत्र स्वर्गीय विनोद तथा अभिषेक पुत्र स्वर्गीय विनोद निवासी बसंतपुर डोमखाना थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इसके पास से पुलिस ने लूट और चोरी के 10 मोबाइल सेट, एक अपाची मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस 315 बोर का तथा एक चाकू बरामद किया है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एएसपी शुभम पटेल ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे हैं और लोगों के मोबाइल लूट लेते थे। सोमवार को तिवारीपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इनकी गिरफ्तारी की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी शुभम पटेल ने बताया। विगत कुछ समय से हमें एक दो घटनाएं हुई थी ऐसी जिसमें राहगीरों के मोबाइल वगैरह छीने गए थे, तो पुलिस अपने जो मुखबिर वगैरह के संपर्क से ये कोशिश कर रही थी कि पता चल जाए किन लोगों ने किया ये। तो इसके संदर्भ में हमने अभियान भी चलाया वाहन चेकिंग के दौरान, और तिवारीपुर पुलिस के यहाँ भी एक घटना हुई थी। तो हमारी पुलिस ने जब इलाहीबाग चौराहे पर जब बाइकर्स की चेकिंग हो रही थी, तो मुखबिर की सूचना के अनुसार हमें ये अंदाज़ा था कि इधर से आज ऐसे दो अपराधी अपाची मोटरसाइकिल से निकलने वाले हैं। तो हमने उसके अनुसार अपनी चेकिंग वगैरह लगाई, और ये जो दो अपराधी हमने पकड़े हैं इनके पास से हमें 10 अदद मोबाइल बरामद हुए हैं, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो अभी UP 53 CQ 2427, और एक अदद तमंचा भी बरामद हुआ है, साथ में कारतूस और एक चाकू बरामद हुई है। इनके खिलाफ 2 थानों में मुकदमा भी दर्ज था, एक थाना तिवारीपुर में और एक थाना कैंट में, और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इन पर मुकदमा भी किया गया। और जो हमारी टीम थी उसके, जो थाना तिवारीपुर की टीम थी उसके सदस्य, उसको लीड कर रहे थे हमारे SSI सत्यप्रकाश सिंह, और साथ में उप निरीक्षक दिनेंद्र कुमार और शमशीर अहमद थे और बाकी लोग थे। फिलहाल जो पूछताछ में पता चला है तो ये दोनों तो आपस में ही मिलके वारदात करते थे, और ऐसा कुछ अगर इनके लिंक्स और भी पूछताछ में निकलते हैं तो आपको सूचित करते हैं। कहाँ पे अक्सर करते थे चिनैती इस तरह की इस क्षेत्र में? ये वे रहने वाले तो अपने डोमखाना के हैं, और इनकी घटनाएं ये इलाहीबाग में भी कर चुके हैं, थाना कैंट में भी कर चुके हैं ऐसी घटना। तो एक ये अच्छी सफलता मिली है हमें, और मैं बधाई देता हूँ अपनी टीम को।